भाई साहब अब आप बताएं कि विकास हुआ है, कितना हुआ है, कितना हुआ है, कैसा हुआ है। ना हमारे पास मोबाइल था, सब भाजपा ने दिया है। 2003 के बाद ही सब हुआ है। लोग नंगे घूमते थे पत्ते लपेट के, अभी 2003 के बाद ही विकास हुआ है। भैया रोडों पर रोड डलवा दे, अस्पताल तो देख लो, मर रहे हैं, मर रहे हैं, गोली मार लड़की में। इसी गंज बासोदा में पिछले चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 तक गिनती गिन के बताई थी, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो तो नहीं बदल पाए। बोल रहे हैं कि सारा जो कुछ मिला है वो 2003 के बाद मिला है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भाजपा। नहीं नहीं, किसी से छुपा नहीं है। पहले कंडीशन क्या थी, कहीं जाने में बहुत परेशानी होती थी, हर तरह आम पब्लिक तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। आज हर व्यक्ति के पास योजनाएं शासन की पहुंच रही हैं और हर तरह से हर व्यक्ति खुश है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो फिर से विकास पे वोट जनता देगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की टीम आज पहुंच चुकी है विदिशा, वही विदिशा जिला जहाँ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ से देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव लड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, और उसी विदिशा जिले की विधानसभा गंज बासोदा, जो कि कहा जाए तो राजनीति का कर्रा अड्डा माना जाता है, चुनाव नजदीक है, वोटिंग होने वाली है। क्या है मन गंज बासोदा की जनता का, इस सबसे पहले यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कमलेश जी से हम बात करेंगे। कमलेश जी, क्या है तासीर, क्या है मुद्दे, किन विषय को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाले? इस समय इस बार का जो 2023 का चुनाव है, ये इस बार का जो चुनाव लेके जा रही है जनता, वो 2013 के चुनाव की तरफ लेके जा रही है। 2013 का चुनाव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2013 में जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा के दो प्रत्याशी थे, वही प्रत्याशी 2023 में भी रिपीट हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से निशंक जैन को पुनः प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं पर ही भाजपा की तरफ से हरि सिंह रघुवंशी इस समय मैदान में मौजूद हैं। वर्तमान में भाजपा के विधायक थे जिनका टिकट काटा गया है, और जो पूर्व में 2018 के चुनाव में जो चुनाव हारे थे निशंक जैन, उसी पर ही कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से विश्वास जताया है। चूँकि 2013 के चुनाव को लेकर जनता इस समय 2023 का चुनाव देख रही है, तो बासोदा की जनता इस समय मौन है। तो मुद्दा क्या है इस बार 2023 विधानसभा चुनाव का, मुद्दा क्या है इस बार का? जो मुद्दा रहेगा वो कहीं ना कहीं भय और शांति का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से गंज बासोदा के रिंग रोड का मुद्दा है, आपके यहाँ के नवीन हॉस्पिटल की परमिशन मिली है, 1500-150 वार्डों का नवीन हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, रिंग रोड तैयार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बासोदा या विधानसभा पिछड़ी हुई नज़र आती है। बासोदा विधानसभा के अंदर त्योंदा क्षेत्र आता है, जो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, पर वहाँ पर बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं, चूँकि वहाँ पर कोई भी एक महाविद्यालय स्थापित आज तक नहीं हो पाया। कमलनाथ कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है। नहीं बन रही, कमलनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी साहब। बीजेपी की? अरे 1000 रुपए महिला उनके लाने दे रहा है, और बहुत सी योजना है, रोड बन गए, बहुत काम भाव है, गिना का काम। अरे बोल, बीमा डाल दो, कांग्रेस सरकार में कब बीमा मिलवा? अरे कब बन गई 250 रुपये बीमा, जहाँ बहुत 8000 मिल रहा है, 2500 रुपये मिला है। एक बार बताओ, एक बार बताओ, कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम कर्जा माफ करवा रहे हैं। अरे तुमने कहीं कर्जा नहीं माफ किया, 1000 रुपया मेरा कर्जा था, 60000। मैं रेगुलर किसान था, मेरा 60000 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ है, तो कहां से विश्वास करें 2-2 लाख रुपया होगा। मिलाकर ये स्थिति बनी हुई है कि मुद्दा विकास है, 2023 के चुनाव को 2013 में दोहराया जा रहा है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा भाई साहब, चुनाव है, भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी, क्योंकि पिछली बार आपके ही विधायक थे और इस बार विधायक का चेहरा बदल दिया है।
भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। यह कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है, संगठन बेस्ड पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी में चलता होगा कि कमलनाथ जी जाके बोले कि दिग्विजय सिंह के जाके कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह जाके बोले नहीं जिसके बी फार्म में दस्तखत हैं जाकर उस कमलनाथ के पार्टी कपड़े फाड़ो। हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल है। रही बात मुद्दों की, तो ये वो पीढ़ी है जिसने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश भी देखा है और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश भी देखा है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में यहाँ से भोपाल जाने में 4 घंटे लगते थे, सड़कों पे इतने गड्ढे थे कि अगर प्रसूति के लिए महिलाएं आती थी या किसी मरीज को गांव से लेके आते थे तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रात में 2-2 बजे तक बिजली नहीं आती थी। और 2003 के बाद एक जो स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह ने चौहान ने किया है, वो इस पीढ़ी की आंखों के सामने स्पष्ट है। कुल मिलाकर विकास हुआ है भाई साहब, अब आप बताएं कि विकास हुआ है, कितना हुआ है कैसा 2003 के बाद हम लोगों ने कपड़े पहने हैं, ना हमने रेलवे स्टेशन देखा था, ना बस स्टैंड देखा था, ना हमारे पास गाड़ी थी, ना हमारे पास मोबाइल था, सब भाजपा ने दिया है। 2003 के बाद ही सब हुआ है। लोग नंगे घूमते थे पत्ते लपेट के, अभी 2003 के बाद ही विकास हुआ है। भैया जैसा कह रहे हैं उससे आपसे तो यही लग रहा है, और कंप्यूटर भी 2003 के बाद ही आया होगा, सारी चीज़ें 2003 के बाद ही हुई हैं। इस शहर में रोड नहीं थे, यहाँ पे सब साइकिल से चलते थे। नहीं, एक बार बताएं भाई साहब, आप बताइए, बोल रहे हैं कि सारा जो कुछ मिला है वो 2003 के बाद मिला है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भाजपा। नहीं, किसी से छुपा नहीं है। पहले कंडीशन क्या थी, कहीं जाने में बहुत परेशानी होती थी, हर तरह आम पब्लिक तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। आज हर व्यक्ति के पास योजनाएं शासन की पहुंच रही हैं और हर तरह से हर व्यक्ति खुश है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो फिर से विकास पे वोट जनता देगी। अपन जहाँ खड़े हैं ये बड्डा जी ने डलवाया है, बड्डा जी की देन है। अब यहाँ से यहाँ निकल जाओ, बड्डा जी की देन है। बीमार दमा की बीमारी हो जाती थी दुकानदारों यहाँ। 2003 के पहले इन लोगों की उम्र नहीं थी, जब ये लोग जानते नहीं थे 2003 के पहले क्या स्थिति थी गंजवासुदा की। हर स्कूल चलो आप, पूरी विधानसभा के पूरे स्कूलों में देख लो क्या हालत है। जो मार साहबों को 50-50 हजार रुपया सैलरी मिल रही है, किसी स्कूल में जाके आप देख लो अगर पढ़ाई हो रही हो तो, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आज के समय की स्थिति ये है कि स्कूलों में सरकार में कमी है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक बार बताओ, अरे एक मिनट सुनो, अरे सुनो यार अरे हाँ, अब आज गंज बासोदा नशे की मंडी बन गया है। अरे भैया सुनो, एक मिनट, धीरे से शांति से चर्चा करो। अब जय कमलनाथ, जय शिवराज, आराम से चर्चा करो। चर्चा मुद्दा है विकास का, ठीक है। अब एक मिनट आपके पास हम आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं। एक बात बताइए, किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान और खेती। कमलनाथ जी बोल रहे हैं हम फिर से 2 लाख रुपए कम करवा रहे हैं। एक मिनट आपके पास भी आ रहा है चिल्ला चोट, आपके पास भी तो लगाई है। नहीं 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 कर लो, नहीं नहीं एक में एक एक करके नहीं, हाँ चले जाओ। 2 लाख की बात करो, 15 लाख की बात करो। एक मिनट, आज गंज बासोदा, एक मिनट आपकी बात सुनो। आप हमने 2003 के दिन सरकार ने बता दिया कि सुन लो बंद तो करो। हर पटवारी 10 हजार रुपए मांगता है, 1 बीघा ना आपने के राशन कार्ड बनवाने के 500 रुपए लगते हैं। गंज बासोदा आज नशे की मंडी बन गई है, नशे पर अंकुश नहीं लगा पाए, नशे की मंडी बन गई है। आज घर से निकलने में डर लगता है, कि कोई नशेड़िया के गोली ना मारते। नशे की मंडी वीडियो वायरल हो रहे हैं,
कहाँ पे अंकुश लगा रहे हैं आप? नशे का कारोबार खुल्लम खुल्ला चल रहा है भैया, रोडों पर रोड डलवा दे, अस्पताल को देख लो, मर रहे हैं, मर रहे हैं, गोली में लड़की में। अब आप ये बताइए, सुनिए, सुनो, आप ये बताओ कि सुनिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं चाहता हूं कि भैया अपनी अपनी बात अगर शांति के साथ रखो, सब लोग सुनेंगे। देखिए, सब लोग शांति के साथ बात रखिए, अपने मुद्दों को रखिए, मुद्दों पे बात कराइए, बहस को डाइवर्ट मत करो। कमलनाथ ये बोल रहे हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपको इसी गंज बासोदा में पिछले चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 10 तक गिनती गिन के बताई थी, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो तो नहीं बदल पाए, तो कर तो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम 1,500 देंगे, हमने दे के बता दिए हैं। केवल सत्ता में आने के लिए झूठे वादे। देखिए, इनके पास झूठे आरोपों के सिवा कुछ नहीं है, ठीक। और अगर उनके वादे सच्चे होते तो आज जनता में ये भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं होता आज। देखिए भाई साहब, लेकिन हाँ। भाई साहब एक बात बता, आप बता, एक मिनट। अरे आप सारे विषय बात हम बताएंगे, हमें किस विषय में बात करनी है, आपके हिसाब से हम बात करेंगे। बात सुन तो लो। अब किसानों एक सवाल तो पूछ दो। सवाल ये है कि कमलनाथ बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, सरकार उनकी बन रही है। अरे कमलनाथ जी तो झूठे बातें करते हैं, पहले किसानों को डिफॉल्टर बनाने का काम किया, पूरा 2,00,000 रुपए का कहा था किसानों को डिफॉल्टर कमलनाथ जी ने बनाया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ब्याज मुक्त कर किसानों को, ब्याज मुक्त कर किसानों को, ब्याज मुक्त शिवराज जी ने किया। और युवाओं को समृद्ध बनाने का काम भाजपा ने किया है, किसानों को समृद्ध बनाने का काम भाजपा ने किया है। कहाँ से किया है? गोली किया मंदसौर में किसानों पर गोली चलाने वाली 50 की थी। चले जाओ सोसाइटी पे, अभी भी लाइन लगी है, खाद नहीं मिल रहा। वो ही नहीं खिलाने बैठे हैं। भाई साहब सुनो, सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का, आप ही अपनी पार्टी वालों को चेहरा नहीं बनने दे रहे हैं, बताइए ना। सोसाइटी के बाहर बैठे हैं आदमी, खाद नहीं मिल रहा उन्हें। अभी आप चले जाओ वहाँ जाके देखो, राजनगर वाली डिपो पे। और में किसानों पर गोली चलाने वाली सरकार भाजपा सरकार। भाई साहब सुनो, आदिवासी में मूतने वाली भाजपा सरकार के लोग हैं। सुनो भाई साहब, एक मिनट, प्रताड़ित करते हैं आदिवासी को। इनके जो पूर्व माननीय विधायक थे, हाँ। उनका टिकट क्यों काटा? क्या कमी रह गई? उनको दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया? साहब बताइए। चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार है क्या कांग्रेस जन? सुन लो सवाल, कांग्रेस जन सुनने के लिए साहस कर पाएंगे? अरे आप बोलो। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल वही हमारा हमेशा प्रत्याशी रहा है। हमने चेहरे को कभी महत्व नहीं दिया है। हम केवल विकास और सुशासन पर हमारी पार्टी आगे चलती है और इसी को लेके हम आगे जाएंगे। दोनों तरफ रोड भेज दिए आपने, हुआ पेपर ये चलिए, वो रोड बिक गया, आप भड़ेरू से झीपड़ी साठ चलिए, भाजपा ने पूरा रोड भेज दिए। सुनो, आपका 5 साल में पूछ लो गंज बाजार में कितनी दलाली हुई है, दलाली के कारण टिकट बदलने पड़ा। एक मिनट, हटो, बाहर। आम जनता, एक मिनट दादा, रुको, आम जनता, दादा नाम बताओ। हमरो हाँ। हनुमान सिंह। चुनाव आ रहा है, चुनाव का लग रहा हूँ माहौल चुनाव में बासोदा को हमें कहो, हम तो गांव के। सरकार कैसो काम कर रही है? खूब अच्छा काम कर रही है, खूब पैसा दे रही है, बाहरों है सभी काम अच्छे कर रही, रोड बनाई रहा है। कमलनाथ कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है? नहीं बन रही।
कमलनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी साहब। बीजेपी की? अरे 1000 रुपए महिला उनके लाने दे रहा है और बहुत सी योजना है। रोड बन गए, बहुत काम भाव है। अरे बोल, बीमा डाल दो। कांग्रेस सरकार में कब बीमा मिलवा? तीन मारे जा रहे कांग्रेस शिकार करता हूँ को। हमें खेत रहा है पूरी ताकत से। क्या डिबेट है आपकी? ये क्या डिबेट है ये? जहाँ कुल मिलाकर यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं। सामान्य जनता से भी हमने बात की है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी स्थिति जो है गर्म होती नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। हम आपके यहाँ भी आने वाले हैं। आयुध की यात्रा लगातार जारी है, आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए आयो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।